चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1। मतलब आज हम लोग क्लास 10 का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी सारी बेसिक चीजों को हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, तीसरे चैप्टर्स का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक चीज के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसकी कुछ बेसिक चीजों को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समीकरण होती क्या है जी। समीकरण होती क्या, एक एक स्टेप हम लोग जान लेंगे। समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण होती क्या है और क्लास 9th में कौन कौन चीजें आप पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें बेसिकली हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं समीकरण। पहली बात, समीकरण, समीकरण होती क्या, इसको इंग्लिश में इक्वेशंस कहते हैं। समीकरण होती क्या है जी, समीकरण। देखिए दोस्तों, समीकरण क्या होता है, मतलब समीकरण जो होता है ना, कुछ ही मान के लिए सत्य होता है। मतलब समीकरण देखी जाए तो x के ये कुछ ही मान के लिए सत्य होता है। दो तरह की चीजें होती है, समीकरण और सर्वसमिका। जो सर्वसमिका होती है ना, वो सारे वैल्यू के लगभग सत्य होती है। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ समीकरण और इससे कुछ हट की चीज आपको बता रहा हूँ सर्वसमिका। सर्वसमिका होती क्या है जी, देखिए समीकरण के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। समीकरण जो होता है ना, वो एक्स के कुछ मान के लिए सत्य होता है। मतलब समीकरण जो होते हैं ना, वो सिर्फ कुछ ही मानों के लिए सत्य होते हैं। लेकिन जो सर्वसमिका होता है, वो सभी मानों के लिए लगभग लगभग सत्य होते हैं। जैसे देखिए, सर्वसमिका क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे सर्वसमिका, जैसे ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का दी होल क्यू, होल क्यू, ए माइनस बी का दी होल क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब क्या है, ये जो सूत्र है ना, ये सर्वसमिका है, ये सभी के लिए अप्लाई हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो सर्वसमिका होता है, वो सभी के लिए सत्य होते हैं। लेकिन जो समीकरण होते हैं, वो कुछ ही मानों के लिए सत्य होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, तो ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए मैंने दिया एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, ये समीकरण है। अब कितने चर वाला समीकरण है ये मैं बताऊंगा, ये एक चर वाला समीकरण है, ठीक है ना। हम लोग को पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण जानना है। तो पहले हम लोग जानते हैं समीकरण क्या है। मान लीजिए आपको दिया एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, ये आपको एक समीकरण मिल गया। तो यहाँ पर एक्स का कौन ऐसा मान रखेंगे कि ये पूरा बराबर के बाद जीरो आनी चाहिए, मतलब एक्स का कितना मान रखेंगे कि जीरो आ जाएगा आपका। तो एक्स का कितना मान रखेंगे, तीन रखेंगे, क्योंकि तीन में से तीन घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो। अब सोचिए, एक्स का मान सिर्फ तीन रखने पर ही ये जीरो आ रहा है, चार रखने पर जीरो आएगा, पाँच रखने पर जीरो आएगा, नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स का सिर्फ तीन मान के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण सत्य होगा और सब मानों के लिए असत्य हो जाएगा। तो जो समीकरण होता है, वो मात्र कुछ ही मानों के लिए सत्य होता है। मैं पूछूं कि व्हाट इज इक्वेशन, समीकरण किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होनी चाहिए समीकरण कुछ ही मानों के लिए सत्य होते हैं। और सर्वसमिका, सर्वसमिका जो होते हैं ना, वो सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। ये जो सूत्र होते हैं, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का दी होल क्यू, ए माइनस बी का दी होल क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी के लिए लागू हो सकते हैं, सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्री है। लेकिन जो समीकरण होते हैं, वो कुछ ही मानों के लिए सत्य होते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण लिखा गया एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर ये एक्स के तीन मान के लिए सत्य है और किसी मान के लिए सत्य नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब कि समीकरण कुछ ही मानों के लिए सत्य होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी समीकरण किसे कहते हैं। चलिए, और सर्वसमिका भी समझ में आ गई होगी, सर्वसमिका किसे कहते हैं। तो सर्वसमिका जो होता है ना, सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। अब चलिए, यहाँ तो हम लोग समझ गए समीकरण क्या होती है। अब दूसरी बात आ रही है रैखिक। देखो, रैखिक मीन्स एक घाट वाला होता है, रैखिक। तो हम लोग अब जानेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जी, ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होती है। अभी तक आप समीकरण तो जान गए कि जो कुछ ही मान के लिए सत्य होता है, उसे समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, तो कुछ नहीं, ऐसा समीकरण जो एक घाट वाला हो। रैखिक मीन्स क्या होता है, एक एक घाट वाला, रैखिक मीन्स एक घाट वाला। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको ये बातें बताई गई थी कि घाट के आधार पर जो बहुपद होते हैं, वो पहला होता है रैखिक बहुपद, द्विघाटी बहुपद, त्रिघाटी बहुपद। तो रैखिक बहुपद का डेफिनेशन क्या था, ऐसा बहुपद जिसके अधिक से अधिक घाट कितने हो, एक हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसका एक घाट हो, अधिक से अधिक कितना घाट हो, एक घाट हो, तो उसे बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, एक घाट वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, यही से कुछ बातें जो हम नाइन्थ में पढ़ चुके वो जानते हैं। एक चर वाला आप जानते हैं रैखिक समीकरण,
एक चर वाला रैखिक समीकरण, हम लोग को हालांकि पढ़ना दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ अभी ये सारी बातें, बेसिक चीज आपको जरा बड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बातें। अब देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो ऐसा रैखिक समीकरण या ऐसा एक घात वाला समीकरण जिसमें अधिक से अधिक चरों की संख्या कितनी हो, एक हो। जैसे ले लीजिए, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल एक लिया था आपको कि एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, इसमें देखी जाए एबीसीडी का कितना अक्षर है, मात्र एक ही तो अक्षर है एक्स, ये एक्स क्या है चर है, थ्री क्या है अचर है, तो मेरे को अचर से मतलब नहीं है, चर से मतलब है, तो इसमें अधिक से अधिक चर कितना, मात्र एक ही है, इसका मतलब हुआ कि कौन सा मतलब चर वाला समीकरण हो गया, तो एक चर वाला कौन सा समीकरण हो गया, तो रैखिक समीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स का अधिकतम घात कितना छुपा है, एक छुपा है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक हो, तो उसे बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात हम जानते हैं, अब जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग जान लेते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा जी, इसको भी मैं लिख देता हूं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए जी दो चर वाला क्या होता है, अभी तो आपने देखा एक चर वाला मतलब ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक हो, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का डिफिनेशन हो जाएगा कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें अधिक से अधिक चरों की संख्या कितनी हो, दो। जैसे ले लीजिए यहाँ पर थ्री एक्स अब प्लस फोर वाई अब बराबर, मान लीजिए कोई ले लिया संख्या बराबर में ले लिया आठ, तो यहाँ पर देखी जाए चरों की संख्या अधिक से अधिक कितनी है, दो है, एक्स और वाई चरों की संख्या कितनी है, दो है, और एक घट वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो, तो उसे बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, और ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक हो, उसे बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए तो इतनी बातें क्या ना आपको जानना था, और साथ में एक चीज और जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म आपको तो इस चैप्टर में यही पढ़ना ही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखिए युग्म मीन्स क्या होता है, पेयर, जिसको लोग जोड़ा कहते हैं, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपको युग्म उठाना है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करना है, मतलब दो समीकरण आपको उठाना है। कहने का मतलब है कि देखिए कहने का मतलब यह है कि मैं दो समीकरण उठा लिया, थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर एट, फिर फोर एक्स प्लस फाइव वाई बराबर सिक्स, तो यहाँ तो ये दोनों क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चरों की संख्या तो है, और दो समीकरण हो गया, एक पेयर बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण के क्या बन गया कि युग्म बन गया। युग्म मीन्स क्या होता है, पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है जोड़ा। देखिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, तो लिख सकते हैं कि दो चर वाले दो जब रैखिक समीकरण लेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, एक युग्म बन जाएगा। मतलब इस चैप्टर्स में, इस वीडियो में आपको दो समीकरण को हल करना सीखना है, और दो समीकरण से संबंधित आपको सारी बातें, सारी बेसिक चीजें आपको जाननी है। तो इस वीडियो में मतलब अभी आपको इतनी इस चैप्टर से बेसिक चीजें जाननी है, मतलब हम लोग फिर एक बार क्या करते हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए समीकरण क्या है जी, तो बोल सकते हैं समीकरण क्या है, समीकरण जो होती है ना वो कुछ ही मानों के लिए सत्य होती है। उसके बाद रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका अधिक से अधिक घात कितना हो, एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक हो, तो उसे बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। और ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो, तो उसे बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। और जब दो चर वाला रैखिक समीकरण दो उठाएंगे, तो उसे बोलते हैं युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का पेयर बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, युग्म कहते हैं। और भी बातें यहाँ पर जाननी है, तो इतनी बातें सबसे पहले आप क्या करिए, फॉलो कर लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए अब हम लोग जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इसको मैं मिटका रहा हूँ, देखिए तो मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 8 है। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पर एक दो समीकरण ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एक दो समीकरण या एक समीकरण ले लिया 3x माइनस 4y बराबर 8। इसको भी फोड़ ले लीजिए,
हल करने में सहूलियत होगी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4x-4y बराबर क्या ले लिया, 8 ले लिया, तो आखिर इस समीकरण का हल क्या होगा जी। देखिए इस समीकरण का हल क्या होगा, मेरे कहने का मतलब क्या है, सो देखिए हम x बराबर यदि मान लीजिए 1 ले लिए और y बराबर -1 ले लिए, x का मान 1 और y का मान -1 ले लिए, यदि इसमें x और y का मान रखने पर ये बराबर वाला वैल्यू आ जाए ना, तो समझ जाएंगे कि x और y का जो मान है इस समीकरण का क्या है, हल है, ठीक है ना। रख कर देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, चेक करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर 4 गुना x का मान कितना ले लिए, 1 -4 और गुना वाई, वाई का मान कितना ले लिए हैं, -1 और बराबर कितना है, 8 है, तो 4 का यदि x से गुना करेंगे तो 4, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, है 4 का x से गुना कर देंगे 4 बराबर 8, तो 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इसलिए 8 बराबर 8। तो यहाँ पर LHS बराबर हो जा रही है RHS के, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का जो मान है वो दिए गए समीकरण का क्या है, हल है। मतलब क्या है ना कि जो बिंदु है वो उस समीकरण पर होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि जो दिया गया बिंदु है वो उस समीकरण का हल है, अन्यथा हल नहीं होगा। चाहेंगे तो इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इस चीज़ को अगर चाहें तो ग्राफ के द्वारा भी अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं समझाऊंगा भी। देखिए कहने का मतलब जो x और y का मान आएगा, यदि x और y का मान उस समीकरण में रखने पर LHS और RHS बराबर हो जाए, तो कहेंगे कि x और y का दिया गया मान उस समीकरण का हल है। जैसे ग्राफ रेडी करते हैं, ठीक है ना, एक ग्राफ रेडी कर लीजिए, आप तो ग्राफ पढ़ी होंगे, 9th में आपको बताया गया ग्राफ। देखिए ये x अक्ष और ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश, ठीक है। अब देखिए बीच में कौन सा बिंदु होता है, 0, 0 के बाद क्या आती है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे 6, 7, 8 बढ़ सकते हैं। फिर रहेंगे तो -1, -2, -3, -4 ऐसे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से y अक्ष पर चलते हैं, 0 से ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप आ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4। देखिए ये ग्राफ हो गया। अब मान लीजिए इस समीकरण का ग्राफ, मान लीजिए कि इस समीकरण का ग्राफ आपका क्या गया, एक रेखा आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। देखिए रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आता है, और इसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, एक सरल रेखा आएगा। देखिए तो मैं मान लिया कि ये जो समीकरण मैंने उठाया था 4x-4y = 8, ये जो मैं समीकरण उठा लिया वो क्या है ना कि उनका हल है, मतलब इनका ग्राफ क्या है, ये वाला है। जरूरी नहीं कि इन समीकरण का ग्राफ यही होगा, मैं सिर्फ कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 4x-4y = 8 का मान लिया कि ये वाला क्या है, उसका ग्राफ है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1-1, x का मान 1 और यहाँ से -1, ये वाला बिंदु मेरे को मिल गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला बिंदु यहाँ पर, या मान लीजिए कोई और बिंदु उठा लेते हैं, यहीं पर ये बिंदु उठा लिया, और इस बिंदु का निर्देशांक है 1, 2, ओके। एक और मैं ग्राफ दर्शा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। वाई वाई डैश, बीच में कौन सी बिंदु होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ सकते हैं आगे, -1, -2, -3 ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। आगे चलते हैं -1, -2, -3, -4 ऐसे आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक समीकरण खींचा और उसका ग्राफ क्या हो गया, ये एक समीकरण मेरे पास था, एक एक समीकरण जिसका मैंने ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक बिंदु मिल गया, ये वाला बिंदु 1, 2 ले लेते हैं, ये बिंदु मिल गया 1, 2। अब देखिए पहली बात है कि यहाँ पर जो बिंदु मिला वो उस ग्राफ पर है, उस खींचे गए ग्राफ पर मौजूद है, 1, 2 जो बिंदु है दिखाई दे रही है, ये ग्राफ पर मौजूद है। इसका मतलब ये वाला जो 1, 2 जो बिंदु है ना, वो इस ग्राफ का, इस समीकरण का हल है। लेकिन यहाँ पर जो बिंदु मिली है 1, 2 मानकर चल रहा हूँ, सिर्फ मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो बिंदु मिली है 1, 2 ये ग्राफ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1, 2 जो है ना इस ग्राफ का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। कहने का मतलब मेरा यही है कि जब बिंदु उस समीकरण के ग्राफ पर मिलेगा तो कहेंगे कि वो दिया गया बिंदु समीकरण का हल है, और दिए गए बिंदु यदि उस ग्राफ पर नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि वो बिंदु उस समीकरण का हल नहीं है। जैसा कि इस ग्राफ में कुछ बातें आपको बताई गई है कि ये बिंदु उस ग्राफ पर मिल गया, 1, 2 ग्राफ है, परिसरी की खींचे गए रेखा पर मौजूद है, इसका मतलब है कि 1, 2 उस ग्राफ का हल है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बिंदु उठाया हूँ 1, 2 वो ग्राफ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1, 2 उस ग्राफ का हल नहीं है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा कि जो x और y का मान हो वो दिए गए समीकरण को जब संतुष्ट कर देंगे तो कहेंगे कि x और y का दिया गया मान उस समीकरण का हल है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसके अलावा भी आपको कुछ और चीजें जाननी है, सो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बातें आप समझिए पहले ध्यान से।
अब देखिए, तो अभी तक आपने क्या देखा, समीकरण, रैखिक समीकरण, सर्व समीका, दो चरवल रैखिक समीकरण, एक चरवल रैखिक समीकरण, ये सारी चीज आपने क्या किया, जान लिया। अब चलते हैं रैखिक समीकरण के कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, ये सारी चीजें मैं मिटका रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ बातें हम लोग समझते हैं। अब देखिए रैखिक युग्म हम लोग जान लेते हैं, रैखिक युग्म के बारे में जानते हैं थोड़ी सी चीजें। रैखिक युग्म, इसकी कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं। रैखिक युग्म होती क्या, अभी तो बताया एक घट वाला युग्म बना रहा आपको। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण है, a1x b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। दो समीकरण आपके पास मौजूद है, तो मान लीजिए कि पहला समीकरण का जो ग्राफ है एक ऐसा आ गया, ठीक है, और दूसरा समीकरण का जो ग्राफ है ऐसे आ गया। कहने का मतलब जब दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, काटे, ठीक है ना। जब जब दोनों समीकरण का ग्राफ, जब रैखिक युग्म का जो ग्राफ है, युग्म का मतलब दो समीकरण आपको उठाना पड़ेगा, तो जब आपके पास दो समीकरण हो और दोनों समीकरण का जब ग्राफ खींची जाए और उसका ग्राफ जब एक दूसरे को काटेंगे तो कहेंगे कि वो प्रतिच्छेदी है, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब एक दूसरे को दो ग्राफ काटेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो समीकरण दियो और उनका ग्राफ खींची जाए और वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो कहेंगे खींचा गया जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी है। वो ग्राफ क्या है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। और दूसरी बात, या तो इनका ग्राफ खींची जाएंगे तो या तो इनका ग्राफ एक दूसरे के समानांतर भी हो सकते हैं। पहला समीकरण ग्राफ ऐसा आ गया और दूसरा का क्या हो गया, एकदम ठीक इसके सामने आ गया। तो जब दोनों एक दूसरे को सामने हो, जब दो समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को सामने आए तो इसको बोलते हैं समानांतर ग्राफ। ये दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, या तो समानांतर हो सकती है, ठीक है, और या तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए पहले समीकरण का भी ग्राफ यही आ गया, ठीक है ना, और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ क्या हो गया, यही आ गया। मतलब पहले समीकरण का ग्राफ उसी पर है, दूसरे समीकरण का भी ग्राफ उसी पर आ गया, तो बोलेंगे कि वो कौन सा ग्राफ हो गया, वो हो गया संपाती ग्राफ। तो रैखिक युग्म से तीन तरह के कंडीशन आपके सामने आते हैं। पहला, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, कर सकते हैं, मतलब जब दो आपको रैखिक युग्म मिले हो, जब दो समीकरण आपके आपको मिले हो तो कह सकते हैं कि दोनों समीकरण या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है, ऐसे, या तो समानांतर हो सकती है या संपाती हो सकती है। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण है और आपसे पूछी जा रही को क्या हो सकते हैं उनका ग्राफ, तो उनका ग्राफ तीनों में से किसी एक ही का तो एक ही तो होगा ना, या तो प्रतिच्छेदी होगा, नहीं तो समानांतर होगा, और नहीं तो क्या होगा, संपाती होगा। बात सीधी सी है, देखिए, तो दो समीकरण का ग्राफ क्या क्या हो सकता है, या तो प्रतिच्छेदी हो सकता है, नहीं तो समानांतर हो सकता है, नहीं तो संपाती हो सकता है, इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं हो सकता। अब इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें और भी थोड़ा सा हटके जो चीज़ें जाननी है वो अगले चैप्टर्स में जाननी है। इस चैप्टर 3.1 में जो जो चीज़ें आपको जाननी है उन सारी चीज़ों को मैं चर्चा कर रहा हूँ, ताकि आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं हो, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो दो रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या क्या हो सकता है, या तो प्रतिच्छेदी हो सकता है, नहीं तो समानांतर हो सकता है, और नहीं तो क्या हो सकता है, संपाती हो सकता है। चलिए, तो इतनी बातें जो थी ना, इनकी बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट जो आता है ना एक्सरसाइज पढ़ जाते हैं। चलिए, अब डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, मैं इन सारी बेसिक चीजों को क्या कर रहा हूँ, मिटकाने का काम कर रहा हूँ। अब देखिए, मिटका दो इसको, अब एक्सरसाइज पढ़ाते हैं और कुछ बातें समझने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना, देखिए इनका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अफताब अपनी पुत्री से कहता है, किताब खोलिए और पढ़िए, अफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है, यहाँ पर दो चीज है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर ग्राफ कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर दो चीज है, एक पिता है और एक पुत्री है, दो चीज यहाँ पर मौजूद है, एक पिता और एक पुत्री। तो जो है ना, पिता अपनी पुत्री से कहता है,
पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मान लीजिए कि पिता की आयु एक्स और पुत्री की जो उम्र है वो क्या वाई है, मतलब पिता का उम्र एक्स और पुत्री की उम्र जो है ना वो क्या वाई है। तो 7 वर्ष पूर्व इनका आयु, 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले इनका आयु क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 और इनका हो जाएगा वाई माइनस 7। ध्यान से समझिएगा जी, बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। मान लीजिए पिता का उम्र एक्स और पुत्री की उम्र क्या है, वाई है, क्योंकि दो चर वाला समीकरण आप पढ़ रहे हैं तो इसमें दो चर लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पिता का उम्र एक्स और पुत्री की उम्र कितना है, वाई है, ठीक है ना। तो 7 वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पहले आएंगे तो पिता का उम्र एक्स माइनस 7 हो जाएगा और पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा, वाई माइनस 7 हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, पिता बोल रहे अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का कितना गुनी था, 7 गुना था। पहला समीकरण यहाँ से बनेगा, कौन, पिता बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले पिता का उम्र एक्स है तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7, पुत्री का उम्र y है तो क्या हो जाए, 7 वर्ष पहले y माइनस 7। तो 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का कितना गुना था, 7 गुना था, ठीक है ना। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरी बात क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद पिता का x है तो 3 वर्ष बाद चले जाएंगे तो x प्लस 3 और पुत्री का 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का कितना गुना रह जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है ना। यही दिया और इसी को बीजगणितीय रूप में और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है जी। देखिए क्वेश्चन की जो बेसिक्स है ना वो समझिए। देखिए क्या ना कि पिता का उम्र क्या ले लिया मैंने एक्स, पुत्री की उम्र क्या ले लिया वाई ले लिया। तो 7 वर्ष पहले आना है, 7 वर्ष पहले जो था ना पिता, 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी गुनी हो गई, 7 गुनी। और उसके बाद 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी। अब इसी को क्या करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, फिर उसका ग्राफ खींच देना है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो मान लीजिए यहाँ पर माना कि पिता की उम्र बराबर कितना, एक्स वर्ष, और पुत्री का उम्र लेते हैं तथा पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र क्या ले लिया, वाई वर्ष। तो प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न के पहले भाग से चलते हैं। तो प्रश्न का पहला भाग बोला है कि 7 वर्ष पहले पिता कहता है कि 7 वर्ष पहले दिखाई दे रही है, 7 वर्ष पहले दोनों का उम्र एक्स माइनस 7 वाई माइनस 7। तो पिता कहता है कि 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का कितना गुनी था, 7 गुनी था। यहाँ बातें बन रही है, पिता कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु का कितना गुनी था, 7 गुनी था। यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स माइनस 7 बराबर यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 7y, अब माइनस 7 का 7 से गुना कर देंगे 49। अब इसको समीकरण बनाते हैं, एक्स ये प्लस 7y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y, अब बराबर इधर बच गया माइनस 49, ये माइनस 7 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 7। अब देखिए यहाँ से समीकरण आपका बन जाएगा, इसलिए एक्स माइनस 7 बराबर 7 में से 49 घटा देंगे तो 7 में से 49 घटा देंगे तो माइनस 42 बच जाएगा, इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से आ जाते हैं, पुनः प्रश्न से। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता कहता है कि 3 वर्ष बाद तो दोनों का 3 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 3 y प्लस 3। पिता कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, तो पुत्री की आयु का कितना गुना, 3 गुना। अब चलते हैं, x प्लस 3 बराबर 3 का y से गुना करेंगे 3y, अब प्लस 3 का 3 से गुना कर देंगे 9। अब समीकरण क्या बनेगा, x इस प्लस 3y को इधर लाएंगे माइनस 3y, अब बराबर क्या बच गया 9, इस प्लस 3 को इधर ला देंगे माइनस 3। इसलिए आपका समीकरण बन गया है एक्स माइनस 3 अब बराबर 9 में से 3 गया 6, इसको ले लेंगे समीकरण 2। तो ये बीजगणितीय रूप निकल गया। अब जब बीजगणितीय रूप निकल गया तो इनका क्या रेडी करना है, ग्राफ रेडी करना है। चलिए इसका ग्राफ रेडी करते हैं। तो पहली बात, ग्राफ रेडी करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मान सारणी निकालना पड़ेगा। पहले समीकरण का मान सारणी, दूसरे समीकरण का मान सारणी, जब मान सारणी आपको निकल जाएगा तो उसका फटाके आप क्या रेडी कर सकते हैं, ग्राफ रेडी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मैं इधर रेडी करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले समीकरण का मैं मान सारणी रेडी करूंगा, पहला समीकरण क्या है, समीकरण 1 से, ध्यान से समझते कुछ बातें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है जी, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस 7y अब बराबर माइनस 42। अब इसका मैं क्या रेडी करूंगा, मान सारणी रेडी कर देता हूं, क्या मान सारणी, चलिए
मतलब कुछ बिंदु निकाल लूंगा, एक्स वाई का मान निकाल लूंगा, ठीक है, जितना बिंदु चाहे उतना आप निकाल सकते हैं, फिर एक्स वाई। मान लीजिए अभी एक्स का मतलब देखिए, एक्स या वाई का ऐसा ऐसा मान रखिए जो मतलब बिंदु थोड़ा सा छोटा निकले। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एक्स का मान जीरो ले लेते हैं, ओके, एक्स का मान मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। तो सोचिए जब एक्स के जगह पर यहाँ पर आप जीरो रखेंगे, यहाँ सॉल्व मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, जब एक्स का मान यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो घटाओ सात गुना वाई आप बराबर माइनस बयालीस, ध्यान दीजिएगा, हाई जीरो हटा दीजिए तो बचेगा माइनस सात वाई आप बराबर माइनस बयालीस, हाई माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा कितना सात वाई बराबर बयालीस। तो सात गुना में काट नियम यूज करेंगे, सात छः कितना आ जाएगा बयालीस, तो वाई का मान कितना निकल जाएगा छः। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स का मान जीरो रखेंगे तो वाई का मान इस समीकरण में कितना निकल जाएगा छः, ऐसे क्रिया करना है। जब एक्स का मान जीरो रखेंगे, जब एक्स का मान जीरो रखेंगे तो यहाँ से काट कपट करने के बाद वाई का मान कितना निकल रही है छः निकल रही है। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए आपने वाई का मान, मान लीजिए आपने वाई का मान कितना रख दिया छः रख दिया, एक्स का मान नहीं, अब वाई का मान यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है ना, यह छोड़िए और कोई बिंदु देखिए, एक्स का मान जीरो रख दिया और कोई बिंदु, तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, जो वाई का मान है वो आपने रख दिया माइनस माइनस फाइव, एक्स का मान आपने जीरो उठा लिया, वाई का मान सिक्स है। अब सोचिए देखिए ये सारी चीज जो है ना अपने से करनी है, अपने माइंड से करनी है। तो यहाँ पर एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान कितना आ गया छः गया। अब वाई का ही मान रखते हैं कुछ, वाई का ही मान माइनस फाइव रखिए, वाई का मान जब माइनस फाइव रखते हैं तो देखिए क्या आ रही है, समझेंगे ध्यान से, वाई का मान इस क्रिया को मैं मिटका रहा हूँ, सेकेंड वाला क्रिया सोचिए, एक्स माइनस सेवन गुना वाई है तो वाई का मान आपने कितना रख दिया माइनस फाइव बराबर माइनस बयालीस, एक्स माइनस माइनस प्लस सात का पाँच सौ गुना करेंगे पैंतीस बराबर हो गया माइनस बयालीस, तो यह एक्स बराबर माइनस बयालीस, ये प्लस पैंतीस को इधर ला देंगे क्या हो जाएगा माइनस पैंतीस, नहीं और बात बढ़ जा रही है, यहाँ पर जो एक्स का मान है वो उठाकर चलिए सिर्फ फाइव, मतलब वाई का जो मान है सिर्फ फाइव उठाकर चलिए। देखिए जब वाई का मान यहाँ पर फाइव रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस पैंतीस होगा, ओके, अब देखिए माइनस बयालीस, इस माइनस पैंतीस को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस पैंतीस, इसलिए एक्स का मान पैंतीस में से बयालीस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस सेवन। जब वाई का मान कितना रख रहे हैं फाइव रख रहे हैं तो एक्स का मान कितना निकल गया माइनस सेवन, इसी प्रकार वाई का मान यदि सिक्स रखी जाए, नहीं वाई का मान सेवन रख दीजिए, वाई का मान सेवन रखी जाए, देखिए वाई का मान यदि सेवन रखते हैं तो एक्स माइनस सेवन गुना वाई, वाई का मान सेवन बराबर माइनस बयालीस, अब देखिए एक्स माइनस सात सत्तर कितना होगा उनचास बराबर माइनस बयालीस, या एक्स बराबर माइनस बयालीस, ये माइनस उनचास को इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस उनचास, इसलिए एक्स बराबर उनचास में से बयालीस घटा देंगे कितना बचेगा सेवन। तो यहाँ पर जो वाई का मान सात रख रहे हैं तो एक्स का भी मान कितना आ गया आपको सात मिल गया, समझते हैं ध्यान से, जब वाई का मान सेवन रख रहे हैं तो एक्स का भी मान कितना आ गया सेवन, आगे भी ऐसा आप बिंदु निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जब पहली बार एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान छः आ गया, जब दूसरी बार वाई का मान फाइव रखा मैंने, वाई का मान फाइव रखा तो एक्स का मान माइनस सेवन आ गया, और जब वाई का मान सेवन रखा तो एक्स का मान कितना आ गया सेवन आ गया। अब इन बिंदु का बस तीन ही बिंदु निकाल रहा हूँ, अब इन बिंदु का क्या करूँगा ग्राफ पर दर्शा दूंगा, तो ये पहले समीकरण का मान सारणी हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इधर देखिए जगह नहीं बच रही है, इधर देख सकते हैं इधर साइड में, ठीक है, अब देखिए अब क्या करूंगा समीकरण टू से चलूंगा, उसका मान सारणी निकाल दूंगा समीकरण टू से। समीकरण टू क्या मौजूद है, यहाँ पर निकल चुका है एक्स माइनस थ्री वाई अब बराबर छः, तो यहाँ से एक काम करते हैं मान सारणी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ खींच देंगे, ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा बन जाएगा, ध्यान ध्यान देंगे बढ़िया से समझेंगे, अधिक से अधिक दो ही बिंदु निकाल सकते हैं, मैं आपको तीन निकाल के दिखा रहा हूँ, अगले बार से दो ही बिंदु निकालूंगा। देखिए इस समीकरण में एक्स का मान मान लीजिए मैंने क्या रख दिया, या वाई का ही मान मान लीजिए मैंने एक्स का मान जीरो रख दिया, ध्यान देंगे इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, आपने एक्स का मान कितना उठा लिया जीरो, तो यहाँ एक्स के ऊपर रख देंगे क्या, एक्स के ऊपर क्या रखेंगे जीरो और घटाओ थ्री वाई अब बराबर सिक्स, तो जीरो का कोई तो वैल्यू नहीं है, जीरो को हटा दीजिए माइनस थ्री वाई अब बराबर कितना बच जाएगा सिक्स बच जाएगा, या माइनस थ्री गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो वाई बराबर छः बटा माइनस थ्री, तीन गुना कितना हो गया छः, तो मान कितना आ गया माइनस टू। तो वही जब एक्स का मान जीरो उठा रहे हैं तो वाई का मान कितना आ गया माइनस टू आ गया, ओके, अब चलते हैं फिर देखते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर वाई का मान कितना रख दे रहा हूँ दो रख दे रहा हूँ, या कोई और मान रख दीजिए, मान लीजिए आप x का मान यहाँ पर उठा रहे हैं फाइव, तो ये काम नहीं बन रहा,
या मान लीजिए यहाँ पर वाई का ही मान उठाते हैं ताकि सहूलियत हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। वाई का मान मैंने यहाँ पर उठा लिया, माइनस वन उठा लिया, ठीक है। वाई का मान कितना मैंने उठा लिया, माइनस वन। अब इसको क्रिया करते हैं, एक्स माइनस थ्री या गुना वाई, वाई का मान कितना उठाना है, माइनस वन है, बराबर कितना है, छ है। देखिए एक्स माइनस तीन का माइनस वन से गुणा करेंगे तो प्लस तीन बराबर कितना हो गया है, छ। तो एक्स बराबर छ, प्लस तीन को इधर ला देंगे माइनस तीन, इसलिए एक्स का मान छ में से तीन घटेगा तीन। तो जब वाई का मान माइनस वन उठा रहा हूँ तो एक्स का मान कितना आ गया, तीन आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपने वाई का मान कितना उठा लिया, माइनस तीन उठा लीजिए, वाई का मान माइनस तीन उठा रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, y का मान x माइनस थ्री अगुना वाई, वाई का मान माइनस तीन उठा लिया तो कितना आ गया, छ आ गया। x माइनस तीन का माइनस तीन से गुना करेंगे तो प्लस नाइन बराबर छ, x बराबर छ, प्लस नाइन को इधर ला देंगे माइनस नाइन, इसलिए x का मान छ में से नौ घटेगा माइनस तीन। तो माइनस तीन उठाने पर कितना बिंदु आ जा रही है, माइनस तीन आ जा रही है। तो इस प्रकार करके मैंने क्या किया, समीकरण वन और समीकरण टू का मान सारणी रेडी कर दिया। दिखा दे रहे हो कि मैंने क्या क्या किया। क्वेश्चन ये था कि पिता का उम्र मान लिया एक्स और पुत्री का उम्र वाई मान लिया, और शर्तानुसार मैंने क्या किया, दो समीकरण प्राप्त कर लिया। तो पहले समीकरण का मान सारणी यहाँ पर है, दूसरे समीकरण का मान सारणी यहाँ पर है। कैसे मान सारणी निकालनी, ये भी बातें मैंने कन्फर्म करी। कैसे मतलब, कुछ बिंदु अपने से चूज करना है जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो जो बिंदु मैं निकाला हूँ उस समीकरण को क्या करिए, संतुष्ट कर रही है। ओके, अब इनको क्या करूँगा, मैं ग्राफ के रूप में दर्शा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही था आपका, जो आपको समीकरण बनेगा उसको बीजगणितीय रूप में लिखना है और फिर ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो अब मैं इसका ग्राफ रेडी करता हूं और ध्यान से इस बात को समझेंगे। मैं फिर एक बार समझाने की इस चीज को कोशिश करूंगा, ध्यान से। देखिए क्या है बेसिक बातें, ये x, ये x डैश, ये y डैश, कुछ बिंदु को दर्शा दे रहा हूं। ओके, चलिए देखिए, जो है ना ग्राफ खींचने के लिए यहाँ जो बिंदु लूंगा उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो बनाऊंगा ग्राफ उसका थोड़ा सही था तो हो सकता है, लेकिन आप जो ग्राफ है ना ग्राफ की कॉपी में खींचेंगे अच्छा रहेगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, आगे आते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ऐसे बढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, ऐसे आप बिंदु ले सकते हैं इस ग्राफ पर। देखिए मैंने क्या किया, ग्राफ दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए मैंने दो तरह के अक्ष का यूज किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और यहाँ पर पहले समीकरण के मान को पुट कर देंगे, दूसरे समीकरण के मान को भी क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पहले समीकरण का मान सारणी क्या है वो बिंदु देखते हैं। एक्स का मान जीरो तो वाई का मान कितना है, छः है। यानी एक्स का मान आप यदि जीरो उठाएंगे तो जीरो से आपको कहाँ तक जाना है, छः तक। तो ये वाला आपको बिंदु मिल जाएगा, इस बिंदु का नाम दे देंगे जीरो कौमा छः, क्योंकि एक्स का मान जीरो और जीरो से कहाँ तक जाना था, आपको छः तक जाना था। पहला बिंदु हो गया, अब चलते हैं दूसरा बिंदु क्या है, माइनस सात से पाँच, मतलब एक्स का मान माइनस सात है। यहाँ पर आते हैं, माइनस सात से कहाँ तक जाएंगे, पाँच तक। तो यहाँ माइनस सात से आपको उठना कहाँ तक है, सेम पाँच तक। ये वाई अक्ष का बिंदु इधर इधर, तो माइनस सात से उठ जाते हैं हम लोग पाँच तक, यहाँ लगभग दिखिएगा। तो ये वाला जो बिंदु मिल गया, इस बिंदु का नाम दे देंगे माइनस सात कौमा पाँच। ओके, अब दूसरा बिंदु, एक्स का मान सात, वाई का मान सात। यहाँ यहाँ पर एक्स का मान सात और वाई का मान कहाँ तक जाना, लगभग लगभग आपको सात तक ही जाना है जी, लगभग ये बिंदु आपको मिल जाए सात से, मतलब ये जो सात है ना एक्स का मान, इसी बिंदु से आपको सात के सामने उठना है। तो उसका सात के सामने देखिए, ठीक है, ये वाला लगभग बिंदु आपको मिलेगा सात कौमा सात। अब क्या करेंगे, तीनों बिंदु को मिला देंगे जी। थोड़ा सा ग्राफ आपको इधर उधर होगा, लेकिन ग्राफ की कॉपी पर जो आपका ग्राफ है एकदम सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ है ना पहले समीकरण का होगा, पहला समीकरण क्या है, एक्स माइनस सेवन वाई आप बराबर माइनस बयालीस। ये जो हो गया ना ग्राफ, ये पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। देखिए जो रैखिक समीकरण इसका एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा होनी चाहिए। थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर रहा है क्योंकि हैंड से खींच रहा हूँ, हैंड से अपने हाथ से, ठीक है ना। पहले समीकरण को मैंने दर्शा दिया, अब दूसरा चलते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या है, जीरो से माइनस टू, एक्स का मान जीरो, जीरो से कहाँ तक जाना, माइनस टू, तो नीचे आपको मिलेगा। इस बिंदु का मान जीरो कमा माइनस टू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक्स का मान कितना है यहाँ पर, थ्री है, एक्स का मान थ्री है,
एक्स का मान ये थ्री है और थ्री से कहाँ तक जाना है माइनस वन, तो थ्री थ्री से नीचे आएंगे माइनस वन, तो ये वाला आपको बिंदु लगभग लगभग मिल जाएगी। इसको लिखेंगे थ्री कॉमा माइनस वन, ठीक है, ये बिंदु मिल गई। अब आगे चलते हैं, तीसरा बिंदु क्या है, एक्स का मान माइनस थ्री, वाई का भी मान माइनस थ्री, तो माइनस थ्री से कहाँ तक आना, नीचे मिलेगा माइनस थ्री, ठीक है ना। ध्यान देखेंगे आप, इस बिंदु का निर्देशांक था जीरो कॉमा माइनस टू, ठीक है। अब आगे जो है ना, एक्स का मान माइनस थ्री है, माइनस थ्री से कहाँ तक आएंगे, माइनस थ्री तक, यहाँ पर नीचे, ये हो गया माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री। अब तीन तरह के बिंदु मिल गए, तीनों बिंदु को मिला देंगे, तीनों बिंदु को मिलाकर मैंने क्या किया, ग्राफ खींच दिया, और ये जो ग्राफ आ गया किसके, दूसरे समीकरण का। दूसरा समीकरण क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई अब बराबर कितना हो गया, छ। तो इस प्रकार करके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर मैं समझा दिया हूँ, पिता और पुत्री दो गए, पिता का उम्र एक्स ले लिया, पुत्री का उम्र क्या ले लिया, वाई, और सात वर्ष पूर्व आएंगे तो इन दोनों का उम्र एक्स माइनस सेवन वाई माइनस सेवन हो जाएगा। और पिता ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारी सात वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का सात गुनी हो जाऊंगा, तो इससे मैंने पहला समीकरण रेडी कर दिया। फिर तीन वर्ष बाद जो है ना, पिता पुत्री की आयु की तीन गुनी हो जा रही है, तो इससे मैंने क्या किया, दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया सॉल्व करके। उसके बाद समीकरण वन और टू का मैंने क्या किया, ग्राफ रेडी किया, मतलब सबसे पहले मान सारणी निकाल लिया, कुछ बिंदु निकाल लिया, और उस बिंदु को मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष पर दर्शा दिया, तब जाकर मेरा ग्राफ ये वाला रेडी हुआ। और ये ग्राफ कैसा आ गया, आपको देखने पर लग रही होगी कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ समानांतर है, क्योंकि एक दूसरे के सामने आ रही है, तो ये ग्राफ कैसा हो गया, समानांतर। आप ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो आप स्केल और पेंसिल यूज करके खींचेंगे, और आप ग्राफ की कॉपी पर ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर बिंदु जो है ना, उस बिंदु का लिए गया डिस्टेंस कम है, अधिक है, इसके कारण से ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन इसका ग्राफ कैसा आएगा, समानांतर हो गया। तो अभी तक सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर वन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए मैं मिट कर रहा हूं। अब इसका क्वेश्चन नंबर टू देखी जाए, उसको भी ध्यान से समझते हैं, एकदम विस्तार से एक्सप्लेन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या क्या खरीदना है, मान लीजिए आपको क्या खरीदना है, बल्ला और गेंद खरीदना है, बल्ला और गेंद, दो तरह की चीजें खरीदनी है। तो मान लिया कि एक बल्ले का दाम ₹1 और एक गेंद का दाम ₹y ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि एक बल्ला जब लेंगे तो उसका दाम कितना है, ₹1, और एक गेंद लेंगे तो ₹y। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, और कुल जो होगा ना उसको इधर लिखेंगे, तो एक बल्ला का दाम ₹1 और एक गेंद का दाम कितना होगा, ₹y। तो कहने का मतलब तीन बल्ला, एक बल्ला का दाम ₹1, तो तीन बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 3x, और एक गेंद का दाम ₹y, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6y। तब इन दोनों का टोटल जो दाम है ना, मूल्य, वो ₹3900 हो जा रहा है कुल, इतना आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी तीन बल्ले और 6 गेंदों को खरीदी जा रही है, तो कितना दाम हो जा रहा है, 3900, पहला समीकरण। और दूसरी बात है कि इस बार एक और बल्ला और ठीक उसी प्रकार का 2 गेंदे खरीदी जा रही है, एक बल्ला और 2 गेंद, 2y, एक गेंद का दाम y, तो 2 गेंद का दाम 2y, तो कितना दाम देना पड़ रहा है, ₹1300 भरपाई करने पड़ रहे हैं। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित करना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन। देखिए पहले तो मैं इधर ग्राफ में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दो तरह की चीज़ें लेनी है, बल्ला और क्या लेनी है, गेंद लेनी है। तो मान लिया कि एक बल्ले का दाम ₹1 और एक गेंद का दाम ₹y, ठीक है ना। यह तो तीन बल्ले और 6 गेंद का दाम ₹3900 बोला है, तो 3x + 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। फिर एक बल्ला और 2 गेंद ले रहा है, तो उसका दाम कितना हो जा रहा है, 1300। तो इसको मैं ग्राफ के रूप में पहले दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आते हैं इस चीज को, हम लोग ध्यान से समझते हैं, ध्यान से क्वेश्चन नंबर टू। माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, ₹1 तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो गया, ₹y। तो प्रश्न का पहला भाग क्या रहा है, वो क्या कह रहा है वो समझिए। प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि तीन बल्ले और छह गेंद खरीदनी है, इसका मतलब 3x + 6y, टोटल दाम कितना देना पड़ा, 3900। इसको ले लेंगे समीकरण 1, ठीक है। पुनः प्रश्न से अब चल रहे हैं,
यहाँ पर चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तीन कमर हो सकती है, तीन कमर लेकर इसको काट सकते हैं, काट दीजिए यहाँ पर देखिए समीकरण में, यहाँ तीन कमर है, तीन कमर लेंगे, यहाँ से थ्री खींचेंगे तो एक से, और यहाँ से थ्री खींचेंगे तो टू वाई बच जाएगा, अब बराबर 3900। अब काट नियम यूज कर सकते हैं 33 या 39, मतलब 1300 में चला गया, तो इसलिए समीकरण बन गया x प्लस 2y अब बराबर 1300। इसको ले लेंगे समीकरण वन, इसको नहीं लेंगे समीकरण वन, इसको लेंगे जो समीकरण दिया तो वहां से तीन कमर ले लिया, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से अब चलते हैं सेकेंड पार्ट से, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक बल्ला और दो गेंदे, मतलब x प्लस 2y, तो कितना दाम और देना पड़ रहा है 1300 रुपया, ये हो गया समीकरण टू। देखिए तो कहने का मतलब है जो समीकरण वन है और समीकरण टू दोनों सेम है, इसका मतलब इसके ग्राफ क्या आएगी, संपाती आएगी। चलिए रेडी करते हैं, पहले क्या करेंगे मान सारणी निकाल लेंगे पहले समीकरण का, ठीक है ना। समीकरण वन से चलते हैं, समीकरण वन से, तो समीकरण वन क्या है, जो समीकरण वन है वही तो समीकरण टू है, समीकरण टू है तो x प्लस 2y बराबर कितना दे दिया 1300। तो इसका क्या रेडी कर लेंगे मान सारणी, तो करते हैं मान सारणी रेडी, दो ही बिंदु निकालेंगे ज्यादा नहीं, x y। अब देखिए जाए तो सोचिए कि मतलब कुछ ऐसा बिंदु लिया जाए जो लगभग लगभग करीब आए, ठीक है ना, 1300, और अंतराल लगभग लगभग हम लोग कितना का लेकर चलते हैं, 100 का अंतराल लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर y का जो मान है, y का मान मैंने यहाँ पर 600 रख दिया, ठीक है। अब रख कर देखिए क्रिया करें इसका, x प्लस 2 गुना वाई, वाई का मान कितना आपने रख दिया 600, अब बराबर कितना है 1300। क्रिया करते हैं x प्लस 600 का 200 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे 1200, अब बराबर कितना हो गया 1300, या x बराबर 1300 प्लस 1200 को इधर ला देंगे तो क्या जाएगा -1200, इसलिए x का मान 1300 में से 1200 घटेगा कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब जो y का मान 600 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब देखिए x का मान इसको मैं मिटका देता हूँ, ऐसे क्रिया करके आपको निकाल लेनी है। मान लीजिए आपने y का मान कितना रख दिया, y का मान 500 रख दिया, ठीक है ना, y का मान आपने कितना पुट कर दिया 500, तो क्रिया कर लीजिए x प्लस 2 गुना 500 अब बराबर कितना हो गया 1300। तो x प्लस 500 का 200 गुना कर देंगे 1000, अब बराबर कितना हो गया 1300, या x बराबर 1300 प्लस 1000 को इधर लाएंगे तो -1000, इसलिए x का मान 1300 में से 1000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब y का मान 500 उठाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 300। तो इस प्रकार क्या हो गया, मैंने इस समीकरण का दो बिंदु निकाल लिया। अब जब समीकरण का मेरे को दो बिंदु मिल गया तो मैं क्या करूंगा, पहले समीकरण का मान सारणी हो गया, अब मैं दूसरे समीकरण का मान सारणी खींच देता हूं। यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, वही है समीकरण टू से चलते हैं, समीकरण टू से, समीकरण टू क्या, वही है x प्लस 2y अब बराबर कितना है 1300। तो इसका भी मान सारणी सेम ही आएगा, जो बिंदु इसमें आएगा वो बिंदु इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बिंदु अलग लेकर देखेंगे कि आखिर इसका ग्राफ क्या आ रहा है। मान सारणी, चलिए इसका मान सारणी खींचते हैं, इसमें भी दो बिंदु ले लेते हैं x प्लस वाई। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो y का मान है इस समीकरण में, मैंने इसमें y का मान 400 ले लिया, ओके y का मान कितना ले लिया 400, तो इसमें रखते हैं x प्लस 2 गुना y का मान मैंने उठा लिया 400, अब बराबर कितना है 1300। x प्लस 400 का 200 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 800, अब बराबर कितना हो गया 1300। x बराबर 1300, ये प्लस 800 को जला देंगे कितना हो जाएगा -800, इसलिए x का मान 1300 में से 800 घटेगा कितना हो जाएगा 500। जब y का मान कितना ले रहे हैं 400, तो x का मान कितना आ रहा है 500, ओके। अब दूसरा बिंदु उठा लेते हैं, चलिए अब इसमें मान लीजिए मैंने कोई और बिंदु उठा लिया यहाँ पर, y का मान मान लीजिए मैं कितना उठा लेता हूँ, माइनस में उठाकर देख लीजिए क्या, y का मान यहाँ पर 600 तो उठा ही चुका इसमें, ठीक है ना, y का मान फिर 600 उठा लीजिए या 700 उठा सकते हैं आप फ्री है, चलिए 700 उठा लेते हैं। y का मान मैंने कितना उठा लिया 700 रखते हैं यहाँ पर, x प्लस 2 गुना y का मान कितना रख दिया 700 बराबर हो गया 1300, या x प्लस 700 का 200 गुना कर देंगे 1400 अब बराबर कितना हो गया 1300। x देखिए यहाँ पर x बराबर 1300, ये प्लस 1400 को चला देंगे कितना आ जाएगा -1400, इसलिए x बराबर 1300 में से 1400 घटा देंगे तो बचेगा -100। इसका मतलब जो y का मान कितना रख रहे हैं 700 रख रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है -100 आ जा रही है, ठीक है। इस प्रकार मैंने क्या किया, बिंदु निकाल लिया, मतलब उस समीकरण का हल निकाल लिया। अब इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं, मतलब इसका ग्राफ खींच देते हैं, और ध्यान से इस ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ हार्ड नहीं होती है, क्योंकि इस चैप्टर में शुरू से अंत तक आपको ग्राफ पढ़ना ही है जी, ग्राफ पढ़ना है। ये x और ये x डैश, ये y
ये वाई डैश, यहाँ पर जीरो उठाएंगे, जीरो के बाद उठाएंगे, ये अंतराल 100 का लेकर चलेंगे क्योंकि 100 पर डिपेंड है। तो 100 फिर कितना 200, फिर कितना 300, फिर कितना 400, 500, 600, 700, 800, ओके। अब इधर आएंगे तो माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600, माइनस 700, ऐसे आगे बढ़ते चल जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, ऐसे उठा सकते हैं। नीचे आएंगे इधर, यहाँ पर जीरो दर्शा देता हूँ, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600, माइनस 700, ऐसे करके मैंने 100 के अंतराल लेकर ग्राफ खींच रहा हूँ। देखिए पहला समीकरण को दर्शाते हैं, x का मान जब 100 उठा रहे हैं तो 100 से कहाँ तक जा रहा है, 600 तक जा रहा है। x का मान 6 तो y का मान, x का मान 100 तो y का मान 600, तो x का मान 100 ये है तो 100 से कहाँ तक जाना आपको, 600 तक। ये वाला लगभग बिंदु मिल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपका 600 है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 से कहाँ तक जाना है, 100 से जाना है 600 तक। ये वाला बिंदु मेरे को क्या हो गया, मिल गया। और इस बिंदु का आप चाहेंगे तो नामकरण कर सकते हैं 100, 600, ओके, पहला बिंदु। अब देखिए दूसरा इसका बिंदु 300 से 500, x का मान 3 और 300 से कहाँ तक जाना है 500, तो 300 से उठना है 500, तो ये वाला बिंदु आपको मिल गया 300, 500, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दोनों बिंदु को क्या करता हूँ, मिला देता हूँ, ठीक है, दोनों बिंदु को मिला के एक ग्राफ खींचता हूँ। ओके, अब चलिए दोनों बिंदु का हो गया ग्राफ खींच दिया, ये किसका होगा, पहले समीकरण का हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 1300। अब दूसरा बिंदु, दूसरे समीकरण का मान सरणी दर्शाते हैं, x का मान कितना है 500, x का मान 500, 500 से कहाँ तक जाना है 400 तक जाना लगभग, तो यहाँ पर बिंदु मिलता है 500 से कहाँ तक, ये 400 वाला बिंदु ये मिल रहा है, तो ये बिंदु मिल गया आपको 500 से कोमा 400, ठीक है। अब x का मान कितना उठाना है माइनस 100, अब माइनस 100 से कहाँ तक जाना है 700, तो लगभग आ ही जाए, यहाँ पर देखी जाए 100 से माइनस 100 से कहाँ आएंगे 700, तो लगभग ये वाला बिंदु आपको मिल रही है, जानेंगे माइनस 100 से कहाँ 700 पर आए तो लगभग ये वाला बिंदु आपको मिल रही है, इसको लिख देंगे माइनस 100 कमा कितना हो गया 700, तो दोनों बिंदु इसी रेखा पर क्या हो गया आश्रित आ गया। तो कहने का मतलब है दोनों समीकरण का जो ग्राफ है एक ही ग्राफ पर आ गया, इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना ये क्या है, संपाती है, तो लिख सकते हैं अतः यह ग्राफ क्या है, संपाती है, ठीक है। देखिए पहले मैं तो पहले समीकरण का भी बिंदु उसी ग्राफ पर आ गया और दूसरे समीकरण का बिंदु भी क्या होगा उसी ग्राफ पर आ गया, मतलब यहाँ जो ग्राफ है वो क्या हो रही है, संपाती हो रही है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं किया, कुछ बेसिक चीजें मैंने पकड़ने की कोशिश करी, बल्ला और गेंद था, मैंने एक बल्ला का मूल्य एक्स और एक गेंद का मूल्य वाई रुपया ले लिया, फिर तीन बल्ले और छह गेंद का मूल्य 3900 था तो मैंने उठा लिया, फिर एक बल्ले और दो गेंद का मूल्य 1300 रुपया था, इसी से मैंने क्या किया समीकरण बनाया, उस समीकरण से कुछ बिंदु निकाल लिया और फिर मैंने क्या किया उसका मान सारणी निकाला, मान सारणी को मैंने ग्राफ के रूप में निरूपित कर डाला। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए अब मैं मिट कर रहा हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखी जाए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका अंतिम क्वेश्चन होगा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, मतलब यहाँ पर क्या क्या खरीदना है इस पर, इसको भी थोड़ा सा ग्राफ में हम लोग ग्राफ में समझते हैं, सेब लेना है और अंगूर लेना है, दो तरह की सामान आपको लेनी है। तो मान लीजिए कि एक केजी सेब का दाम 100 रुपया और 1 kg अंगूर का दाम कितना है 1 रुपया, तो बोला है कि 2 kg सेब तो 2x हो जाएगा, 1 kg अंगूर तो 1y, मतलब इसको सिर्फ y लिखेंगे, तो टोटल जो दाम है ना वो 107 रुपया देना पड़ रहा है, यानी 2x प्लस y का दाम कितना हो जाएगा 160, क्योंकि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम कितना है 160, 2x प्लस y बराबर 160, ये पहला समीकरण। और दूसरा क्या हो जाएगा, बोला कि मतलब एक महीने के बाद 4 kg सेब, इस पर 4 kg सेब लेना तो 4x, अब फिर क्या 2 kg अंगूर तो हो जाएगा 2y, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का जो दाम है वो हो जा रहा है 300 रुपया। तो इसको क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है
और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद इसका ग्राफ खींच देना है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर वन में जो ग्राफ है वो समानांतर आया था, और क्वेश्चन नंबर टू में जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर आया, मतलब समपाती आ गया। और इसमें देखते हैं क्या होती है, इसका ग्राफ कैसा आता है। तो सबसे पहले मानने की कुछ बेसिक चीजें मान लेते हैं। माना कि एक के जी सेव का मूल्य, एक के जी सेव का जो मूल्य है वो एक सौ रुपया है, तथा एक के जी अंगूर का मूल्य, तथा एक के जी अंगूर का मूल्य कितना है, वाई रुपया है। तो प्रश्न का पहला भाग उठाते हैं, प्रश्न से प्रश्न का पहला भाग है, दो के जी सेव लेना है 2x और एक के जी अंगूर लेना है तो y, और दाम कितना लग रहा है 160, इसको ले लेंगे समीकरण वन। पुनः प्रश्न से चलते हैं। इस बार लेना है 4 के जी सेव तो 4x, 2 के जी अंगूर तो 2y, और दाम कितना देना पड़ा इस बार तो 300, ठीक है ना। यहाँ से चाहेंगे तो दो कमन बन रहा है, दो कमन ले लेंगे, तो दो यहाँ से कमा लेंगे तो 2x, और यहाँ से दो कमा ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा वाई, अब बराबर हो जाएगा ये 300। अब दो से काट सकते हैं, दो का 150 दूना 300 हो जाएगा, इसलिए बन गया 2x अब प्लस वाई अब बराबर हो गया 150, इसको लेकर चलेंगे समीकरण टू। तो समीकरण वन और समीकरण टू क्या हो गया, आपको मिल गया। जब आपको समीकरण वन टू मिल गया तो क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप आ गया। जब बीजगणितीय रूप आ गया तो मैं इसका मान सारणी निकालने का काम करूंगा, मतलब समीकरण वन का। समीकरण वन से चलिए, समीकरण वन से, समीकरण वन क्या, 2x प्लस वाई बराबर 160, इसका क्या रेडी कर दी जाए, मान सारणी, ध्यान से, ठीक है, इसका मान सारणी हम रेडी कर रहे हैं। दो बिंदु निकालेंगे x, y, मान लीजिए यहाँ पर किसका मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर अंतराल 50 का लेकर चलेंगे, अच्छा रहेगा, फासला 50 का देख रहे हैं जिसका आंसर होगा। तो मान लीजिए मैंने x का मान कितना उठा लिया, यहाँ पर 50 उठा लिया, x का मान मैंने कितना उठा लिया 50, तो क्रिया कर दीजिए 2 गुना x का मान 50 और प्लस y बराबर 160, ओके। 50 का 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 100, और प्लस y बराबर कितना हो गया 160, या यहाँ के काम करते y को छोड़िए 160, ये प्लस 100 को चला देंगे माइनस 100, इसलिए y का मान 160 में से 100 घटा देंगे कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब जब x का मान 50 उठा रहे हैं तो y का मान कितना निकल गया 60, ओके। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए इस बार आप एक्स का मान कुछ और उठा रहे हैं, एक्स का मान लीजिए आपने कितना उठा लिया 60 उठा लिया, ओके। एक्स का मान 100 उठाएंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, 70 उठाएंगे तो भी आगे चला। मान लीजिए कि आपने एक्स का मान कितना उठा लिया 60 उठा लिया, तो रखते हैं 2 गुना एक्स का मान कितना रखना 60 बराबर 60 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 160। क्रिया करते हैं 60 का 2 से गुना करेंगे 120 प्लस वाई बराबर 160, y बराबर 160, एक प्लस 120 को दला देंगे माइनस 120, इसलिए y का मान 160 में से 120 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 40। मतलब जब x का मान 60 रख रहे हैं तो y का मान कितनी निकल रही है 40 निकल रही है, x का मान 60 तो y का मान कितना निकल गया 40। इस प्रकार क्या हुआ, पहले समीकरण का मान सारणी निकल गया, दो बिंदु निकल गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान सारणी निकालेंगे। समीकरण 2 है 2x प्लस y बराबर 150, तो 2x एक काम करते हैं, यहां से इसका मान सारणी निकाल लीजिए, ये x और ये क्या हो गया y। तो मान लीजिए आपने x का मान यहां पर कितना उठा लिया 50, सेम वैसा ही क्रिया इधर करते हैं, तो 2 गुना x का मान 50 रख दिया प्लस y अब बराबर कितना हो गया 150, तो 50 का 200 गुना कर देंगे 100 अब प्लस कितना होगा y अब बराबर 150, ओके। अब देखिए जा, यहाँ पर देखिए जा, y बराबर 150 प्लस 100 को चला देंगे क्या जाए माइनस 100, इसलिए x बराबर 150 में से 100 घटेगा कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 50, तो x का मान 50 रखने पर y का मान 50 आ गया, ओके। अब मान लीजिए x का मान आपने कितना कितना उठा लिया 60 उठा लिया यहाँ पर, तो रखते हैं 2 गुना x का मान 60 अब प्लस y अब बराबर 150, 60 का 200 गुना करेंगे 120 अब प्लस वाई अब बराबर 150, देखते हैं y बराबर 150 प्लस 120 को दला देंगे क्या हो जाएगा माइनस 120, इसलिए y बराबर 150 में से 120 घटा देंगे कितना बचेगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो y का मान आ रही है वो आ रहा है 30। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, दोनों समीकरण का मान सारणी निकाल लिया। अब जब दोनों समीकरण का मान सारणी निकल गया तो उसका क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब अंतराल 10 का लेकर चलेंगे क्योंकि 10 में ही काम हो गया,
ठीक है, ये x x डैश y y डैश, बीच में उठाएंगे जीरो, जीरो के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 इधर आते हैं, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 60 आ जाते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 इधर आते हैं, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 80 माइनस 90 ऐसे डॉट आगे बढ़ सकते हैं। देखिए तो मैंने क्या किया, ग्राफ रेडी किया, अब इसका जो समीकरण है उसको ग्राफ में क्या करता हूँ दर्शाता हूँ। पहला समीकरण का बिंदु देखते हैं, 50 से 60, x का मान 50 y का मान 60, तो x अक्ष पर 50 दिए और 50 से कहाँ तक जाना आपको 60 तक, तो 50 से उठ जाएंगे कहाँ तक 60 तक, तो x से 50 से देखिए ये वाला बिंदु लगभग आपको 60 का मिल रहा है, तो ये बिंदु मिल गया 50, 60। ओके अब दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 60 और y का मान 40 है, तो x का मान 60 और 60 से कहाँ तक जाना है 40 तक, तो लगभग ये वाला बिंदु मिल रही है अनुमान से देखिए तो, ठीक है ना, तो ये हो गया 60, 40, तो दोनों बिंदु मिल गया। दोनों बिंदु को मिलाकर क्या करते हैं, ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है, दोनों बिंदु का मिलाकर एक ग्राफ खींचते हैं। थोड़ा सा ग्राफ हमारा इधर उधर होगा क्योंकि हैंड से खींच रहा हूँ बिना स्केल का, आपको स्केल की सहायता से खींचना है। तो ये पहले समीकरण का ग्राफ हो गया और इसका समीकरण दर्शा सकते हैं, इसका समीकरण है 2x + y = 160, ठीक है, पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। अब दूसरा समीकरण का ग्राफ देखते हैं, पहले दूसरे समीकरण का बिंदु है x का मान 50 y का मान 50, तो x का मान 50 और 50 से कहाँ तक जाना आपको 50 तक जाना है, लगभग ये वाला बिंदु आपको मिल रही है, ठीक है, ये वाला बिंदु ले सकते हैं 50, 50। ओके आगे चलते हैं, यहाँ x का मान 60 है तो y का मान 30 है, x का मान 60 तो y का मान कितना आना है 30, लगभग ये वाला बिंदु आपको मिल रही है, ठीक है, तो लिख सकते हैं 60, 30। अब इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए, देखिए इन दोनों बिंदु को मिलाने पर ये ग्राफ हो गया 2x + y = 150 का, तो यहाँ पर दोनों बिंदु का जो ग्राफ है ना एक दूसरे क्या आ गया समानांतर आ गया, तो लिख सकते हैं कि अतः यह ग्राफ क्या है समानांतर है, अतः यह ग्राफ क्या है समानांतर है, मतलब प्रतिच्छेदी नहीं है। देखिए तो इस प्रकार मैंने क्या किया, तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। जब अगले वीडियो में आएंगे तो उसकी कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे और उसमें नई मतलब पॉइंट्स जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, विदा करिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।